हेलो दोस्तों, नमस्कार। थैंक्स आल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो जो BTC का कीमत है, ये आपके सामने है लाइव। एक BTC का कीमत 29,941 USDT चल रहा है। दोस्तों, यही BTC का कीमत देखा जाए अभी से एक महीना पहले 20,000 से भी कम था। तो BTC दोस्तों कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसका प्रेडिक्शन पहले से ही लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, जो BTC है इसमें हमेशा एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर BTC का कीमत बढ़ता है तो पूरा मार्केट में बहुत सारी क्वाइन में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो BTC कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री का मदर क्वाइन माना जाता है, इस बिटकॉइन को। तो दोस्तों, आप देखिए आगे क्या रंग लाता है ये BTC, बहुत देखने लायक बात होगा। अब हम बात करते हैं PBC मेटा टोकन की। दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ PBC मेटा की जो कीमत है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12.24 USD चल रहा है एक PBC मेटा की कीमत। तो आने वाले समय में कितना जाएगा इसका अभी भी कुछ प्रेडिक्शन लगाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मैंने सबसे पहले BTC का कीमत आपके बीच में इसलिए रखा कि दोस्तों मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जिस BTC को हम एक दो महीना पहले 20,000 से भी कम देख रहे थे, आज उसका कीमत दोस्तों 29,000 से 30,000 USDT चल रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट है, इसमें कब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका प्रेडिक्शन कुछ भी लगाया नहीं जा सकता है। इसलिए पहले से ही आप यहाँ पर एनालिसिस न करें कि मार्केट काफ़ी नीचे उतरते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारे नेगेटिव भी हो रहा है कि PBC का कीमत घट रहा है। दोस्तों, एक या दो डॉलर घटने से ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट और भी घट जाएगा इसका PBC का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट दोस्तों कब उठेगा इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। अचानक मार्केट अभी अगर कुछ इसमें नया अपडेट आ जाए तो अभी ये 15 USD भी देखने को मिल सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में देखा जाए दोस्तों तो एक एक दिन में एक गुना, दो गुना, तीन गुना होना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो पेशेंस के साथ आप बने हुए हैं तो मार्केट को आप वॉच करते रहिए, और जो क्रिप्टो करेंसी से आपको सीखने को मिल रहा है जो नई चीज़ें उसे सीखते रहिए कि हम PancakeSwap से बाई सेल कैसे करें, हम ट्रस्ट वॉलेट में जाके न्यू वॉलेट एड कैसे करें, हम PBC मेटा से BUSD में कैसे कन्वर्ट करें, और भी अन्य बहुत सारे कॉइन है दोस्तों आपको कॉइन मार्केट कैप में देखने को मिल जाएगा, उनको कैसे बाय करें बाइनेंस के माध्यम से। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको सीखते रहिए। जब आप सीखते रहेंगे तब आप इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझ पाएंगे, अन्यथा इतना आसान नहीं है इस क्रिप्टो मार्केट को समझना। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे चैनलों पर डाला हुआ है कि बाइनेंस का यूज़ कैसे किया जाता है, ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कैसे किया जाता है, PancakeSwap से बाई सेल कैसे किया जाता है, अन्य भी जो एक्सचेंज है उनका यूज़ करके कैसे पैसे कमाया जाता है, वो भी दोस्तों आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद ही आप उस पर वर्क करना है। अन्यथा दोस्तों कुछ भी आप इसमें नहीं करना है, कुछ भी आप अगर करते हो तो आपका नुकसान भी हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो दोस्तों, अभी तो 12.24 दिखाई दे रहा है PBC मेटा का कीमत। अब देखिए मार्केट बढ़ता है या घटता है, ये पिछले एक घंटे का कैंडल्स हमें शो हो रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, ये एक घंटे का ही मार्केट कैंडल्स है। आप चाहो तो इसे 8 घंटे का भी कर सकते हैं, आप चाहो 12 घंटे का भी देख सकते हैं, आप चाहो 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ का भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको सीखना है और अपने टीम को भी सिखाना है। और जो आप PBC मेटा टोकन फार्मिंग कर रहे हो या सीड फंडिंग कर रहे हो, उसका नॉलेज भी आपको अपने टीम में देना है। अगर आपको नहीं आता तो आपके सीनियर से सीखना है, या आपके जूनियर हो या क्रॉस लाइन हो, अगर कोई मदद वाला बंदा है तो उनसे भी आपको सीखते रहना है। वैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी के लीडर काफ़ी हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। तो दोस्तों, आप जितना अपना नॉलेज को गेन करोगे उतना आपका प्रोग्रेस होना संभव बन जाता है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में। देखा जाए शेयर मार्केट जो है वो एक दोस्तों अलग वे में चलता है, जो क्रिप्टो मार्केट है उसका रास्ता एक अलग होता है, वो न्यूज़ पे चलता है। क्रिप्टो मार्केट मैंने देखा न्यूज़ पे बहुत डिपेंड करता है। एलन मस्क का जैसे ट्वीट आता है डोगे कॉइन का दाम उछल जाता है। दोस्तों, कुछ डोगे कॉइन के ऊपर जैसे ही ट्वीट आया तो डोगे कॉइन को मैं देख पाता हूँ 20 से 30% तक उछाल मार देता है एक एक दिन में। तो दोस्तों, मार्केट को समझिए और इस मार्केट को एंजॉय करिए और सीखते रहिए, और इस बात का ध्यान रखिए हमें निवेश वहीं पर करना है
जहाँ पर आपको सटीक लगे, सब कुछ ठीक लगे, तभी आपको निवेश करना है। इसलिए आप स्टडी भी बढ़ा लीजिए अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने हुए हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं जो भी अपडेट आता है पीवीसी मेटा संबंधित आपके बीच में लाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।